अपर आयुक्त न्यायिक राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडल स्तरीय कार्यशाला सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान अपर आयुक्त न्यायिक राम भरत तिवारी ने कहा कि शासन द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंडल में महिला बाल सुधार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग तो अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसको सुधार किया जाए। जनपद में स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं की जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे सभी महिला जागरूक हो सकें। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और यूपी में जाइए, 21.1 था तो बढ़के 15.8 हुआ है, तो इसमें 5.3 सुधार है। इसमें मतलब देश के सापेक्ष जो है प्रदेश की स्थिति अच्छी हुई है। मंडल में जहाँ तक है तो मंडल में गोरखपुर में 25% था जो डाटा बाल विभाग का, वो घटके 14.6 हुआ है। इसमें काफी अच्छा सुधार आया है, लगभग 10.4% का काफी अच्छा सुधार माना जाएगा। फिलहाल अभी भी एक कुर्सी अभी जारी है, अभी इसमें काम करने का अवस्था है। महाराष्ट्र में 48.2 था परसेंटेज, जो घटके 24.1 हुआ, लगभग आधा हो गया है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है, 24% है, काफी ज्यादा इसका रेशियो है। और देवरिया में 22.4 से घटके 13.7 हुआ है, यहाँ सुधार हुआ है। और कुशीनगर में 31.2 से घटके 17.7 हुआ है, यहाँ भी काफी अच्छा सुधार दिखा रहा है। अगर वो सबका वृद्धि बनेगा तो उससे हमारा जो है ये समस्या निदान हो जाएगा। और विशेषकर यहाँ मंडल कोई नहीं है, सुरक्षित स्थान में प्रेसा सचिव भी कोई नहीं है। एक राजकीय बाल में बालक जो है देवरिया में संचालित है, जिसकी 50 क्षमता है और 27 बच्चे निवासरत हैं, तो इसमें तो खैर ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम नहीं है ये। और राजकीय शिशु गृह यहाँ कोई नहीं है, दत्तक ग्रहण का ये संचालित है, तो उसमें 10 के सापेक्ष 35 बच्चे जो है आवश्यक है। एनजीओ रन यहाँ पर 4 होम है बालक बालिका शिशु के, इसमें 108 बच्चे जो है इसमें यहाँ रहना है, जहाँ पर संचालित है हर जनपद में, उसमें जो है 5 के क्षमता के जो आज एक वर्ष में कितने बच्चे आवासित हुए हैं उसका भी डाटा है। तो गोरखपुर में CCI दर्ज हुए हैं, जबकि 21 में 3682 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यूपी का डाटा, क्योंकि बच्चों के खिलाफ अपराध हो ही रहे हैं, बच्चे हमारे JJB में CCNCP में आ ही रहे हैं, तो इसमें ये अभी पाक्सो के संबंधित रिपोर्ट किए गए अपराध है। और पाक्सो के यहाँ गोरखपुर में तो सूट दिखा रहा है, तो संभव नहीं।